यूनिसेफ द्वारा कुपोषण को लेकर जारी की गई रिपोर्ट के बाद प्रदेश सरकार में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने यूनिसेफ की रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि राज्य सरकार यूनिसेफ की रिपोर्ट को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। मंडी में स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि यूनिसेफ की रिपोर्ट में प्रदेश में 56,000 बच्चों को कुपोषण का शिकार बताया गया है और सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रही है। कौल सिंह ठाकुर के अनुसार प्रदेश के लिहाज से तो यह संख्या अधिक है, लेकिन बाकी राज्यों की तुलना में यह संख्या काफ़ी कम है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को आयरन की गोलियां दी जा रही हैं। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में IGMC शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में 2 न्यूट्रिशन सेंटर चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को कुपोषण के शिकार बच्चों की जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकारी योजनाएँ भी पूरी तरह से कारगर साबित हो रही हैं। ये ठीक है कि यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है कि 56,000 बच्चे कुपोषण के शिकायत हैं। हमने कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए फॉलिक आयरन जो है, आयरन की टेबल जो है, हर महीने स्कूलों में और आंगनबाड़ी केंद्र में दे रहे हैं। और जो हमारे न्यूट्रिशन सेंटर, एक मेडिकल कॉलेज शिमला में खोला है, एक मेडिकल कॉलेज, जो अंडरवेट बच्चे हैं या जो कुपोषण के शिकार हैं, उन बच्चों को वहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है। ये वैसे तो हायर साइड पे है, पर अगर आबादी के हिसाब से देखें ये परसेंटेज बहुत कम है बाकी स्टेटों के मुताबिक, लेकिन फिर भी इसको, इस मामले को हम गंभीरता से ले रहे हैं। और मैं स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दे रहा है कि वो जो है कुपोषित बच्चे हैं उनकी शनाख्त करें और उनका ट्रीटमेंट जो है शुरू कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।